उत्तर प्रदेश में लगातार दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद नितिन अग्रवाल आबकारी एवं मद्य निषेध राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाए जाने के बाद पहली बार सीतापुर आगमन हुआ। आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल सीतापुर के प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थस्थल पहुँचे, जहाँ उन्होंने माँ ललिता के मंदिर में मत्था टेका तथा पूजा अर्चना की। साथ ही उन्होंने भारत 24x7 लाइव से वार्ता करते हुए क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। विभाग मिला है आपको, क्या प्राथमिकता है? देखिए, जैसा कि आप भी जानते हैं कि आबकारी सरकार को एक राजस्व बड़ा राजस्व देता है, और जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन है कि उत्तर प्रदेश $1 trillion की इकोनॉमी बने, उसमें आबकारी विभाग की भी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। सबसे पहला संकल्प तो हम लोगों का यही है कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन है, उस विजन को हम लोग कैसे पूरा करें। और जो गत वर्ष का राजस्व डिपार्टमेंट का था, उसमें आने वाले वर्ष में उसको कैसे और बढ़ाया जाए, और उसके साथ ही साथ जो कुछ थोड़ी बहुत घटना उत्तर प्रदेश में जहरीली शराब की होती है, उस पर कैसे रोकथाम लगाई जाए। क्योंकि मैंने तो स्पष्ट कहा है, मैंने अधिकारियों को भी बोला है कि हालांकि मुख्यमंत्री जी ने 5 साल में इन घटनाओं को काफ़ी कमी भी आई है, काफ़ी सख्ती हुई है, काफ़ी कमी आई है, लेकिन मैंने अधिकारियों को सख्ती से निर्देश दिया है कि अगर फ्यूचर में अगर ऐसी कोई घटना होती है तो उस जिले के संबंधित अधिकारियों पर भी कड़ी कार्रवाई होगी, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उस पर रोकथाम लगा लेंगे। एक कार्ययोजना बनानी है और उस कार्ययोजना पर आगे अमल करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।